महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए और फिर उम्मीदवारों ने जमकर जश्न किया। पुणे शहर में भी ग्रामीण इलाकों में ऐसा जीत का जश्न देखने मिला। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला एक शख्स को कंधे पर उठा के जश्न मनाती दिखी। ये वीडियो पुणे के खेड तहसील का है। अपने पति की जीत के बाद पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी ने पति को कंधे पर उठाकर अनोखे तरीके से जश्न मनाया। ऐसा शायद ही पहली बार कहीं हुआ होगा। खेड़ तहसील के पालू ग्राम पंचायत चुनाव में संतोष शंकर गुरम ने अपने विरोधकों को धूल चटाई। जीत मिलने की खबर मिलते ही संतोष की पत्नी रेणुका गुरम ने अपने पति को कंधे पर उठाकर गांव के इलाके में घुमाकर जश्न मनाया। रेणुका के पीछे कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिन्होंने जयकारों के नारे लगाए। पालू गाँव में जाम खाता ग्राम विकास परिवर्तन पैनल को धूल चटाकर जाट माता देवी ग्राम विकास पैनल ने 7 में से 6 सीटें हासिल की और इस जीत के पीछे महिलाओं का योगदान बड़ा होने की बात गांव में कही जा रही है। वहीं दूसरी घटना में अमे गांव परिसर में जीत का जश्न मनाना, पटाखों की आतिशबाजी करना या फिर जुलूस निकालने पर पाबंदियां होने के बावजूद जीत का जश्न मनाया गया। अनिल सखाराम डोके, संतोष चंद्र डोके, गुलाब हैशाराम वालुच और सुभाष लहू सुकरे समेत 20 से 25 लोगों ने बुलडोजर में गुलाल भरकर फेंका गया और जश्न मनाया, जिसके चलते विजयी उम्मीदवार समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पुणे।